नगर पंचायत खरोरा के शासकीय भरत देवांगन हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन द्वारा संचालित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में दुकानदारों ने जो अपील हाईकोर्ट में लगाई थी वह खारिज कर दी गई है। दरअसल शाला विकास समिति के निर्णय के बाद ऐसे दुकानदार जिनके द्वारा अपनी दुकानें दूसरों को किराए पर चढ़ाया गया था को नोटिस देकर दुकान छोड़ने कहा गया था। प्रबंध समिति का कहना है कि अगर आपने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स लिया है और आप उसे दूसरी पार्टी को 4 गुना किराए पर चढ़ाए हैं, बातों का यह नियम के खिलाफ है और ऐसे में उक्त दुकानदार को दुकान खाली करना पड़ेगा, जिस पर कुछ दुकानदार हाईकोर्ट में अपील किए थे। अब अपील खारिज होने के बाद स्कूल प्रबंधन ने पुनः कार्रवाई के लिए फैसला लिया है। शाला प्रबंध समिति के विशेष रूप से बैठक रही से जेमा हमन पूर्व में मन दुकानदार मन हाईकोर्ट गेरी से हाईकोर्ट से ओकर मन के पिटीशन ला खारिज कर दे गए है। वही संबंध में आज ही बैठक में हम निर्णय ले हन कि ओकर से हमर शाला प्रबंध समिति ला और स्कूल शिक्षा समिति ला किराए के रूप में आर्थिक क्षति हुई से न्यायालयीन खर्च के आर्थिक क्षति हुई से और ये मन जो दुकानदार मन अवैध वसूली करे रही से ओकर आर्थिक क्षति हुई से एकर वसूली के लिए परिवाद दायर किया जाए और आरक्षी केंद्र खरोरा में ओकर नाम से FIR दर्ज किया जाए, ये निर्णय ले गए है। और आगे के आवंटन के लिए एमन पुनः फेर मत आए, नीलामी में करबो तो भाग ले सकते या आवेदन मंगाएंगे तो मन दूसर के नाम से भी आवेदन करके ले सकते। एकर स्थिति आवेदन मंगा करके समिति द्वारा निर्णय लिया जाए, जो मुख्य रूप से बेरोजगार व्यक्ति है तेने मतलब दिए जाए एकर निर्णय ले गए। समिति की बैठक ने सर्वसम्मति से नए लोगों को दुकान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, इस पर जल्द ही निर्णय किया जाएगा। गजेंद्र वर्मा, खरोरा।